सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद एट अनदर वीडियो। तो भाई, अपना अनंतगिरी हिल्स का प्लान मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिया था। एक्चुअली कल मेरे को निकलना था राइड के लिए, परसों मैंने पूरा चेक कर लिया, बाइक को सब कर लिया, ऑन करके रखा थोड़ी देर, सब चेक कर लिया था, गाड़ी में कुछ इश्यू नहीं है। सो दैट छोटा राइड हों दो या बड़ा राइड हों दो, थोड़ा चेक कर लेना बेटर है, कुछ प्रॉब्लम ना आए बोल के चेक किया था मैंने, तो सब सही था। सो मैंने सब पैकिंग वगैरह सब कर लिया था, जैसे कि कैमरा गियर हो गया, ये वो सब पैक कर लिया था, अपने टैंक बैग में रख लिया था। और कुछ नहीं लेके जा रहा था, मैं एक टैंक बैग लेके जा रहा था और एक मेरा कैमरा बैग कैरी करने वाला था मैं एक्चुअली। तो सब मैंने पैकिंग वगैरह सब कर लिया और बहुत एक्साइटेड था मैं कि यार बहुत दिनों बाद एक राइड करने वाला हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, कौन सा भी हो, फिलहाल राइड करने वाला हूँ बोल के। वो सुबह उठा मैं, सुबह उठ के सब रेडी था, सब गियर अप वगैरह सब हो गया था, खाली गाड़ी पे चढ़ के निकलना था खाली। सोचा कि पहले गाड़ी को वार्म अप कर लेते बोल के, तो बाहर गया मैं गाड़ी को वार्म अप करने के लिए, ऑन कर रहा था। ऑन जैसे मैंने ऑन किया, कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी ऑन नहीं हो रहा था, बैटरी जो अपना बैटरी का इशू था जो बार बार डाउन हो जाता था, एक्चुअली बैटरी डाउन हो जाता था, तो वही इशू आ गया था फिर। तो मैंने ट्राई किया, ऑन ही नहीं हो रहा था गाड़ी। तो जब भी फिर मैं अभी रॉयल एनफील्ड को कॉल करके, जब भी उनको बुला के फिर सेट करा के पूरा करा के निकलना बोले तो लेट हो जाता था। तो एट लास्ट मेरे को राइड कैंसिल करना पड़ा फाइनली। उसके बाद मैंने रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन को कॉल किया, एक्चुअली RS से बुलाया मैंने, रोड साइड असिस्टेंट। वो लोग रॉयल एनफील्ड वाले आए घर पे, आके गाड़ी चेक करे। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई मेरे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि आप गाड़ी लेके जाओ और बैटरी का चार्जिंग कर दो या सेकेंड गियर में डाल के चालू कर दो या लेके आ जाओ, फिर वही प्रॉब्लम फिर आ जाए फ्यूचर में। क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत बार सॉल्व किया है, जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था मगर काइंड ऑफ टाइम बीइंग के लिए सॉल्यूशन था, जैसे कि USB से चार्जिंग करना हो गया। वो वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई कार्ड में डाल दूंगा मैं वो वीडियो। एक्चुअली वो वीडियो पे बहुत डिसलाइक्स वगैरह आ चुके हैं, तो सही है एक्चुअली, तुम लोगों ने बताया मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई उसमें बी रोल वगैरह का ही खुदा ले, ट्रैवल वीडियो है क्या ये वो बोल के। ठीक है, गलतियां करते हैं, इंसान सीखते हैं, हम भी आप लोगों ने बताया, हमने सुना और आगे से नहीं होगा। अगर आपको देखना है तो देख लेना, यहाँ पे आई कार्ड में आ जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, सेम ऐसे ही मेरे को सिक्किम पे भी हुआ था, लॉन्ग राइड पे एक्चुअली, बहुत बड़ा राइड था सिक्किम का मेरा। तो मेरे को सिक्किम में गैंगटॉक में हुआ था, सेम इशू, ऑन नहीं हो रहा था। हम लोग परमिट के लिए कुछ वगैरह जा रहे थे, हम लोग ऑफिस के बाहर रोका था गाड़ी, रोक के परमिशन के लिए अंदर जाएंगे, परमिट के लिए अंदर जाएंगे बोल के देख रहे थे। जैसे हम लोग बाहर आए तो गाड़ी ऑन ही नहीं हो रहा था, सेम ऐसे यही इशू बार 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 हो रहा था। देखा हम लोगों ने, जैसे कि गैंगटॉक में कोई रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन ऑफिशियल जो ऑथराइज सर्विस सेंटर था वो कुछ भी नहीं था गैंगटॉक में, फिलहाल अभी एक साल के नीचे तक तो नहीं था, तो अभी का हालत क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक साल डेढ़ साल के नीचे कुछ भी नहीं था वैसा। वो हम लोगों को, मैंने वहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस बुलाया, तो मालदा को लाना था गाड़ी, बहुत हेक्टिक हो गया था भाई, बहुत परेशानी हो गई थी वो टाइम पे। दोस्त से पहले राइडर था शिवा बोल के, जो हमारे साथ ही राइड करता, हमारे को राइड पे मिला था उसने, तो वो थोड़ा इन चीज़ों में वगैरह परफेक्ट था। तो मैंने और उसने मिलके एक बैटरी लाया, नया बैटरी ला के वो बैटरी को चेंज करके फिर हम लोगों ने राइड चालू किया। ऐसा सिचुएशन हुआ था, कल आए थे एक्चुअली रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन वाले, मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया एक्चुअली मेरे फोन में। चेक वगैरह करने के बाद थोड़े बहुत वायरा जल गए जैसे थे, मेरे को डाउट आया क्या जला कहीं को, क्या है, जले सो है या कुछ काटे सो है, क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो मैंने उन लोगों को बोला कि भाई आप गाड़ी लेके जाओ, थरोली चेक करो क्या इशू है, प्रॉब्लम क्या है, फ्यूजा वीजा वगैरह सही है नहीं है क्या है, पूरा थरोली चेक करो बोल के गाड़ी गया। मेरे को कल शाम में कॉल आया, रवि बोल के बहुत अच्छा लड़का है एक्चुअली रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन में, उसने मेरे को फोन किया, फोन करके बताया कि भाई आपके गाड़ी का जो वायरिंग है, वायरिंग को पूरे चूहों ने काट दिया है। सीरियसली यस,
वाज ट्रू। उसने मुझे फोटो भी भेजा, तो यहीं कहीं डाल दूंगा मैं फोटो, आप देख लेना। चूहों ने गाड़ी के अंदर घुस के सीट के नीचे तक पहुंच के, बैटरी के आसपास वगैरह वहां तक पहुंच के पूरे वायरा काट दिए। उसके वजह से क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होके जो जो बैटरी को चार्ज करता है जब अपन गाड़ी चलाते हैं, जो बैटरी को चार्ज करता है जो फ्यूज रहता है, वो फ्यूज उड़ गया था। अब ये कब से उड़ा है वो फ्यूज नहीं मालूम। मैंने तो रॉयल एनफील्ड सर्विस स्टेशन को दिया है बहुत बार, पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम में उन लोगों ने कभी नहीं देखा होगा एक्चुअली, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई कुछ गया होगा अंदर, चूहा वगैरह या कुछ काटा होगा बोल के। चूहों ने वाट लगा दी फाइनली, वो लोगों ने थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ कट हुआ था वहाँ वहाँ टेप डाल दिया। टेप डाल के अभी तो काम चलता करते, अगर आगे फिर ऐसी हुआ तो मेरे को वायरिंग चेंज करना पड़ता पूरा, और रॉयल एनफील्ड्स हिमालयन का पूरा वायरिंग कॉस्ट अराउंड 7,500 और 8,000 आई थिंक सो, तो 8,000 का बुक्का लगता अगर आगे फिर ऐसी हुआ तो। राइड बिस्किट हो गया पहली बात, वो एक अपसेट था मैं। फिर उसके बाद ये चूहों का एक है, ये चूहों का क्या करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ स्प्रे मिलता क्या नहीं मिलता मेरे को देखना पड़ता। अगर आप लोगों को पता है कि ये चूहों को कैसे रोकना है, कुछ स्प्रे है या वगैरह क्या है, तो मेरे को हेल्प करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मेरे को कि क्या सोल्यूशन है इसका, चूहों को कैसे रोकते हैं बताओ मेरे को, मैसेज करो कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं अभी से थोड़ा वायरिंग को सेफ रख सकूँ या चूहे गाड़ी के अंदर जाने से रोक सकूँ मैं। एंड वन मोर थिंग भाई, अगर आप हैदराबाद से हो और आप तेलुगु समझते हो, मैंने एक सेकेंड चैनल ओपन किया है, अपना तेलुगु चैनल ओपन किया है, लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, देख लेना अगर आपको तेलुगु आता है। अगर आप तेलुगु समझते हो, अगर देखना चाहते हो व्लॉग्स तेलुगु में, मोटो व्लॉग्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इसके वजह से ही बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रहा था एक्चुअली। जितना चार्ज था बैटरी में जब मैं ये यूपीएस से चार्ज करता था, जितना बैटरी में चार्ज था तो उसी पे चल रहा था एक्चुअली। जो जैसे मैं चला रहा हूँ था गाड़ी को, फिर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था, उसके वजह से ये इशू आ रहा था एक्चुअली। जो फ्यूज उड़ गया था उसके वजह से ये था मेन इशू। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड टू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन, राइड सेफ, बी सेफ, डू वेयर योर मास्क एंड हेलमेट टू। हेलमेट पहनो, बगैर हेलमेट पहने मास्क पहने तो नहीं चलता, हेलमेट पहनो मास्क भी पहनो।